मैंने अभी अभी बताया कि दो पॉइंट लिखवाए बेटा। टॉपिक हमारा था डिटेक्शन ऑफ वेव नेचर, मेटीरियल पार्टिकल। तो पहली पॉइंट लिखवाया कि अगर लैम्डा डी ब्रॉगली आपके पार्टिकल के साइज के बराबर या पार्टिकल के साइज से बड़ा है तो पार्टिकल कैसा होगा बेटा? पार्टिकल शो ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब पार्टिकल एज वेल एज वेव, पार्टिकल एज वेल एज वेव। लेकिन अगर हमारा डी ब्रॉगली कम आता है साइज कंपैरिजन में तो वो एज ए शो पार्टिकल भी, शो पार्टिकल बिहेवियर या नेचर एक बात। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे आपको पूरा अच्छे से यूटिलाइज होगा, चीजों को समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर वन से मैं स्टार्ट करता हूं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं बेटा। ए बॉल हैविंग मास 5 kg एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द नेचर ऑफ बॉल। ये बॉल आपको पार्टिकल नेचर शो करेगी या ये आपको वेव नेचर शो करेगी? तो करते हैं। सबसे पहले तो बेटा जो भी आपकी वेलोसिटी दी है उसको मैं एसआई यूनिट में कन्वर्ट करता हूं। मेरा मास है 5 kg। ओके, डन है सर। क्योंकि 5 kg जो है, kg आपकी किसकी यूनिट होती है बेटा? एसआई यूनिट होती है। एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट करेंगे। एसआई मतलब बेटा एमकेएस, मीटर किलोग्राम और सेकंड। तो किलोग्राम तो ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करते हैं बेटा। वेलोसिटी दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। बेटा किलोमीटर और आवर आपकी एसआई यूनिट नहीं है, वो आपकी मीटर और सेकंड है। तो बेटा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करने के लिए किससे क्या करते हैं, कोई बच्चा बताएगा? किससे डिवाइड करते हैं बेटा? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? 1000/60 × 60 3600 से करोगे तो 5 × 18 आ जाएगा, है ना बेटा? कैसे आया? किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10^3 मीटर में बदल गया, और हावर को मिनट में बदलोगे तो 60, सेकंड में बदलोगे तो 60, ये सेकंड में बदलो। तो जब आप इसको सोल्व कर डालोगे तो 5/18 ही आएगा। तो 5/18 तो ये 25/18 हो गया मीटर पर सेकंड। बेटा क्या ये स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में है? नहीं जी, वी तो बहुत बहुत छोटी है सी के कंपैरिजन में। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कितनी होती है? 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है। बहुत ज्यादा होती है, 10^8। इसका मतलब ये भी तो बहुत छोटा है। तो ये कौन सा केस है बेटा, बताओ जल्दी से। दिस इज ए नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। क्योंकि वेलोसिटी आपकी सी के बहुत छोटी है बेटा। हर क्वेश्चन में ये जरूर चेक कर लेंगे कि वो रिलेटिविस्टिक है या नहीं है। अब देखिएगा, सो मोमेंटम लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, h/p निकल के आती है।
एच इज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, और मोमेंटम कितना होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी, मास है 5, वेलोसिटी 25/18, तो 25 125/18, तो ये कर दो 125/18, सोल्व करके बताइएगा रिजल्ट कितना है, बताओ सुभाष बेटा। 6.6 को 18 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय करो 125, कितना रिजल्ट आता है बताओ सर। 0.95 × 10⁻⁴ ये क्लियर, यस। अब बेटा एक बात बताओ, जनरली आप एक बात बताओ, जब एक बोल आपको दिखती है तो इस बोल का जो डायमीटर है, ये जो साइज है, ये साइज आपको जनरली कितना नजर आता होगा बेटा, होता तो होगा ना 5-6 सेंटीमीटर तो होता होगा बेटा कम से कम, अरे होता होगा नहीं होगा बेटा 5-6 सेंटीमीटर तो होगा नियरली, एक बोल का साइज 5 नहीं तो 2, इतना मतलब इन सेंटीमीटर तो होता ही होगा बेटा, लेकिन आपका जो आंसर आया है वो 0.95 × 10⁻³, क्या लैम्ब्डा बहुत ज्यादा छोटा नहीं है साइज के कंपैरिजन में, बताओ बेटा क्या लैम्ब्डा बहुत ज्यादा छोटा नहीं है साइज के कंपैरिजन में, अरे बॉल का साइज कितना होता है बेटा, कुछ सेंटीमीटर तो होता ही, और हमारा लैम्ब्डा 10⁻³ आ गया, मतलब ये तो बहुत छोटा आ गया, इसका मतलब लैम्ब्डा इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब कैसा बिहेवियर बेटा बताओ, जिससे बोल शो, अरे बताओ ना, पार्टिकल नेचर, और बेटा आप जब बॉल फेंकते हो तो पार्टिकल की तरह जाती है, वेव की तरह जाती है, पार्टिकल की तरह जाती है, तो इसका मतलब आपने डिटेक्ट कर डाला, बोलो समझ में आया बेटा, ये बताओ, आई थिंक आपको yes. समझ में आ गया होगा, मैं आगे प्रोसीड करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बेटा यहां तक नोट हो गया तो आगे चलूं, बोलो बेटा yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं, ये भी अपने आप में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, ए इलेक्ट्रॉन मूविंग विद 2 फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, चलो काम करना प्रारंभ करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद वेलोसिटी c/2, वेलोसिटी दे दी पार्टिकल की c/2, बेटा आप बताओ वेलोसिटी से अंदाजा लगाकर मुझे ये बताओ कि ये जो पार्टिकल है ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है नॉन रिलेटिविस्टिक से, बताना बेटा, रिलेटिविस्टिक, मैंने कहा था ना जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में रहेगी तो वो कैसी रहेगी बेटा, रिलेटिविस्टिक, तो ये रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी है, अब रिलेटिविस्टिक में बेटा लैम्ब्डा डी ब्रोगली का फॉर्मूला तो वही रहेगा एच बाय मोमेंटम पी, लेकिन मोमेंटम के बारे में सुनिएगा बेटा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेयर एम इज द रेस्ट मास, ये केस रहेगा नॉन रिलेटिविस्टिक के केस,
लेकिन जब भी अगर रिलेटिविस्टिक का केस आ जाए तो यही फॉर्मूला तब्दील हो जाएगा, कोई बच्चा बताएगा मुझे क्या होगा, मेरे को फर्स्ट ईयर से कोई बच्चा बताए कि मोमेंटम क्या होगा रिलेटिविस्टिक केस में, क्योंकि मैंने ये बात आपको पढ़ा चुका हूं। बताओ क्या होगा, बताइए मुझे, ये बात आपकी नोटबुक में मैंने लिखवा चुका हूं, आप मुझे ये बताइए कि रिलेटिविस्टिक के अंदर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है। अरे बोलोगे क्या, सर अंडर रूट, हाँ हाँ वो काइनेटिक एनर्जी के क्रम में बता रहे हैं। देखो ओके सर, जब भी हम रिलेटिविस्टिक का केस करते हैं तो वहां रेस्ट मास नहीं रहता, वहां गामा इनटू रेस्ट मास आ जाता है, जहां पर गामा की वैल्यू 1/√1 - v² / c² है। वो जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो मैंने काइनेटिक एनर्जी और मैंने पोटेंशियल की टर्म में लिखवाए थे रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक में डायरेक्ट मोमेंटम का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो वो क्या रहेगा, गामा एम इंटू वी, जहां गामा की वैल्यू कितनी होती है, 1/√1 - v² / c² होती है। ये केस किसके लिए है, रिलेटिविस्टिक के लिए। तो कभी रिलेटिविस्टिक में डायरेक्ट मोमेंटम निकालना हो, वो मोमेंटम ये मैं वेलोसिटी के टर्म में बता रहा हूं, वो फॉर्मूले मैंने पोटेंशियल की टर्म में और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में निकाले, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा H/γ mv, v इज द वेलोसिटी। अब गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं, गामा है 1/√1 - v² / c² और 1/√1 - velocity c/2 है, तो c² / 4 × c² कैंसिल, आई थिंक 2/√3 आ जाता है। चेक कीजिए कि गामा की वैल्यू ये आती है, चेक करो बेटा। Yes, sir. Now, so put करते हैं इस वैल्यू को, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻³⁴, गामा की वैल्यू 2/√3, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³⁶, एंड द वेलोसिटी c by 2, c is 3 × 10⁸ divided by 2। इस पूरे एक्सप्रेशन को सोल्व करते, तो 2 से 2 कट गया, √3 3 से कट गया तो ऊपर √3 आ गया, तो 6.6 / 9.1, √3 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बच्चा बताएगा, 1.732 10⁻⁴, नीचे 10⁻³⁶ × 10⁸, सोल्व करके बताओ कितना है। बताइए मुझे, जल्दी बताओ, बोलो बेटा, सर 0.418। हमारा केस, मैं ये कह रहा था 0 नंबर,
हेलो कितना है बेटा बताओ अब बताइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सर 0.48 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर 0. कितना बेटा 0.8 या 4 4184 सर इनटू 10 रेज 418 कोई नहीं कितना आ रहा है ना जी सर अब देखिए बेटा लगभग एक इलेक्ट्रॉन का साइज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का साइज इन टर्म्स इन वी कैन से दैट एंगस्ट्रॉम के रूप में होता है ना एक इलेक्ट्रॉन इतना लगभग 10 रेज टू पावर माइनस 10 या 10 रेज टू पावर माइनस 11 मीटर का होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन का साइज इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटी चीज है बेटा तो उसका साइज लगभग इतना होता है ठीक है ना 10 रेज टू पावर 10 10 रेज टू पावर 11 ये इवन इससे भी छोटा आपका एक साइज होता है इलेक्ट्रॉन और आपका लैम्डा भी बेटा नियरली इसी पावर में आ रहा है तो लैम्डा नियरली आपका किसके बराबर आ रहा है बेटा साइज के बराबर तो जब लैम्डा साइज के बराबर आए तो बेटा एक बात बताओ कौन सा नेचर शो करता है बोलो बेटा इलेक्ट्रॉन नेचर पार्टिकल एंड वेव नेचर ड्यूल नेचर पार्टिकल की तरह भी और बेटा वेव की तरह इसीलिए बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों तरह के बिहेवियर को शो करता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन में आपके देखने को मिलता है इंटरफेरेंस जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डालते हैं ना बेटा तो इंटरफेरेंस देखने को मिलता है और कहोगे इंटरफेरेंस तो सर वेव में शो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन में भी शो होता है इंटरफेरेंस देखने को मिलता है और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है इसीलिए बेटा ये ड्यूल नेचर शो करता है और वो कंफर्मेशन कहा बेटा इस फॉर्मूले से इस न्यूमेरिकल से आपको कंफर्मेशन हो बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को बोलिएगा बताओ बेटा तीसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ yes, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन इज If the D Broglie बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी If the D Broglie wavelength of electron is equal to the quantum wavelength The quantum wavelength. What will be the velocity of electron? Electron की velocity कितनी है? बेटा generally जब electron वगैरह का case आता है और जब नहीं actually इस question में एक चीज और भी देना था relativistic electron था. रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या है रिलेटिविस्टिक है तो बताइए बेटा वेलोसिटी क्या हो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं बताइए बेटा करें कौन करवाएगा बेटा मेरे साथ इस क्वेश्चन को बताइए कौन बच्चा इस क्वेश्चन को करवाएगा सर मैं करूं चलो बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ बेटा कैसे लिखा जाता है एच अपॉन बोलो बेटा पी ये तो होता बेटा लैम्डा डी और ये किसके बराबर दे रखी है क्वांटम लैम्डा क्वांटम वेवलेंथ क्वांटम वेवलेंथ कितनी होती है बेटा एच अपॉन एम नॉट सी एम नॉट सी वेरी गुड बेटा अब मेरे को एक बात और बता दो मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा अभी अभी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम क्या लिखवाया था मैंने द गामा इनटू एमवी एमवी या एम नॉट है ना यहां पर डैश कॉमा से एम नॉट लिख रहे हैं तो एम नॉट ले लो तो करो बेटा एच अपॉन गामा एम नॉट वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी तो पट्टा इसको काट लो तो आई थिंक गामा इनटू वी आपका आ गया सी के बराबर सी के बोलो बेटा आया क्या अब गामा की वैल्यू क्या होती है बेटा अंडर द रूट
रूट वन माइनस इज इक्वल टू सी। और क्या करें बेटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो अंडर द रूट वन माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी बाई सी, लिख सकते हैं ना बेटा। इसको मैं इधर ले आया, इसको इधर ले आया, अब कर देते हैं स्क्वेयरिंग। तो स्क्वेयरिंग करने के पश्चात वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और इसका क्या आ गया बेटा इंपैक्ट बताओ, आंसर कितना आ जाएगा? तो वेलोसिटी इज आई थिंक सी बाई रूट टू। यस सर, यस सर। तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर ही काम करेंगे। जैसा मैंने कहा देखो, इसमें कौन सा नया फॉर्मूला यूज कर लिया बेटा हमें, कॉम्पटन वेवलेंथ के समय कॉम्पटन भी पढ़ा, कॉम्पटन इफेक्ट के समय कॉम्पटन वेवलेंथ का फॉर्मूला भी पढ़ा था, और अभी अभी हमने रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लैम्डा पढ़ा है, दोनों को इक्वेट कर दिया और वहां से वेलोसिटी निकाल डाली। इसमें हमने कौन सी नई बात पढ़ ली? आई थिंक ये क्वेश्चन आप कर लोगे, मैं आगे प्रोसीड करता हूं। चले बेटा, यस सर जी सर। और क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और चलता हूं मैं। अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे प्रोसीड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको खुद करना है क्वेश्चन, व्हाट वोल्टेज मस्ट बी अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉन, टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ कितनी बेटा, इलेक्ट्रॉन ऑफ वेवलेंथ 0.40 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ हमें प्रोड्यूस करवानी है, कितनी वोल्टेज हम अप्लाई करें। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्रोसीड करता हूं सॉल्यूशन की तरफ। बेटा क्या आपको कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जिसमें पोटेंशियल का वोल्टेज का जिक्र हुआ हो? है बेटा? यस सर, यस सर। लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर द रूट टू एम, टू एम क्यू वी, क्यू इनटू वी। यस सर। अब बेटा आपका क्वेश्चन जायज होना चाहिए कि सर हमें क्या सपने आ रहे हैं कि हम रिलेटिविस्टिक लगाएं या नॉन रिलेटिविस्टिक। आप पिछले केस में इलेक्ट्रॉन था जब रिलेटिविस्टिक लगा रहे थे, अभी जब इलेक्ट्रॉन है तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस लगा रहे हो, तो आपका क्या मतलब है? देखो बेटा, अगर हम यहाँ पर रिलेटिविस्टिक केस लगा देते हैं, है ना, बेशक आप रिलेटिविस्टिक केस भी लगा दो और बहुत बड़ा इसमें डरने वाली बात नहीं, लेकिन इस केस के अंदर क्या प्रॉब्लम आती ध्यान से सुनो। ये केस भी लगा सकते थे आप, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा। एक्चुअली दोनों फॉर्मूले में रिलेटिविस्टिक आप तभी लगाओ जब वो चीज आपको क्लियरली मेंशन हो, है ना, क्योंकि रिलेटिविस्टिक जब लगाओगे देखो पोटेंशियल निकालना है तो कैलकुलेशन वाइज ये बहुत टफ हो जाएगा निकालना, और इतनी टफ कैलकुलेशन का आंसर आपको देगा नहीं। तो क्या तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होगा कि रिलेटिविस्टिक लगाओ या नॉन रिलेटिविस्टिक लगाओ, या बेटा जब भी कभी आपको ये नजर आए कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी टिपिकल होती जा रही है तो इसका मतलब हमें अप्रोच में गलती कर दी। अब यहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है, लैम्डा दे रखा है, तो पोटेंशियल दो दो जगह आएगा और ये कैलकुलेशन आपसे बहुत टिपिकल हो गया, तो इसका मतलब हम मानता हूं क्वेश्चन में देना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन आपका रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक,
लेकिन खुद से भी थोड़ा अंदाजा लगाना आना चाहिए। देखो वेलोसिटी जब गिवन होगी तो हम अंदाजा लगा ही लगा लेंगे, कैलकुलेशन वाइज जब मुश्किल होती चीज नजर आएगी तो भी बेटा नॉन रिलेटिविस्टिक केस लगा दे, क्योंकि रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक में बेटा जो आंसर आएगा उसमें फर्क बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसमें फर्क बहुत ज्यादा नहीं होगा कि आपने अगर न्यूमेरिकल में सोल्व किया रिलेटिविस्टिक से कर दिया नॉन रिलेटिविस्टिक वाला और आंसर आपका बिल्कुल ये लगा गया, बिल्कुल नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बस डेसिमल्स में जाकर फर्क होता है, ठीक है ना, तो कोई बहुत बड़ा इसमें काम नहीं हो जाएगा। इसीलिए बेटा अब मुझे लग रहा है यहाँ कैलकुलेशन वाइज ये चीज मुश्किल जाएगी तो मैं नॉन रिलेटिविस्टिक का केस यूज कर लेता, ठीक है, मैं ये काम कर लेता। अब अगर ये काम करोगे तो आप लैम्डा स्क्वायर कर लो, मैं चार पांच क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप पता लग जाएगा आपको कब क्या लगाना है, टेंशन करने की बात नहीं। टू एम यू सी तो बेटा हमें तो पोटेंशियल निकालना है, तो एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू टू एम फोर। नाउ एच इज 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, स्क्वायरिंग है तो दो बार लिख देता हूं, अपॉन टू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 रेज टू पावर माइनस 31, ठीक है, चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, लैम्डा दे दिया 0.40 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 10, और ये भी दो बार है, लैम्डा स्क्वायर है तो 0.40 10 रेज टू पावर माइनस 10। सोल्व करते हैं, 6.6 के 6.6 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2, 9.1, 1.6, 0.4, 0.4, पावर ऊपर बढ़ गई 10 रेज टू पावर 4 और 8, पावर बेटा 8 और 3 और 3 6, 68 बन गई, और नीचे वाली पावर 31 और 10, 10 और 19, तो 19 10 29, 29 10 39 और 39 और 31, बेटा 39 और 31 कितनी बन गई 70, और 70 ऊपर जाएगी तो प्लस की 70, ठीक है। सोल्व करो बेटा, ये जो अंदर वाली कहानी है इसको सोल्व करके दिखाओ, सिक्स पॉइंट सिक्स गुणा 6.6 तो ऊपर आ गया 43.56, 9.1 गुणा 2 गुणा 1.6 गुणा 0.4 गुणा 0.4 नीचे आ गया 4.6592 इंटू 10 रेज टू पावर 68 और बेटा ये 70 तो ये तो 10 रेज टू पावर 2 तो 43 करता हूं, 43.56 भाग में 4.6592 कल आंसर आया 9.349 इंटू 10 रेज टू पावर 2 देखो, या फिर मैं इसको कह दू 934.9 देख ये आंसर आता है नहीं आता बताओ मेरे, बोलिए बेटा ये क्वेश्चन आंसर आता है नहीं आता है? यस सर। अरे कर लोगे बेटा ऐसे क्वेश्चन? यस। आगे चलता हूं और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन जितने करोगे प्रैक्टिस के लिए कराओगे उतना आइडिया लगता चला जाएगा कौन सा फार्मूला लगाना है। चलो और देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मूव करो बेटा। यस सर। ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, व्हाट इज द डी ब्रॉग्ली वेवलेंथ
of an electron moving with velocity v is equal to 3/5c. सबसे पहले तो ये बताओ रिलेटिविस्टिक कैसे है, नॉन रिलेटिविस्टिक? वेलोसिटी 3/5c है कौन सा बेटा? रिलेटिविस्टिक सर। रिलेटिविस्टिक तो लैम्डा का फॉर्मूला h by p, और p बेटा रिलेटिविस्टिक में कितना होता है बताना, जब वेलोसिटी की टर्म में? अरे बोलो ना, गामा एम वी। गामा एम वी एम नॉट वी कुछ भी ले लो, h अपॉन गामा एम नॉट वी। गामा की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। कितनी आएगी ये? 1 माइनस वी इज 9/25, और बेटा 25 16 मेरे ख्याल से आएगी 5/4। चेक करना, आपसे तेज कैलकुलेशन तो मेरी होती जा रही है। बोलो यही आती क्या? यस सर। यस सर। पुट करते यार वैल्यू को, एच की 6.6 × 10⁻³⁴, गामा की 5/4, एम नॉट आपको पता ही, रेस्ट मास 9.1 × 10⁻³ⁱ, वेलोसिटी 3/5 इनटू सी इज 10⁻⁸। बताओ यार कितना आएगा? 5 से 5 कट गया, और कुछ कटेगा? 3 से ये कट गया, 2.2 आ गया, ऊपर ऊपर 4 चला जाएगा, तो 4 × 2.2 / 9.1 × 3, ऊपर 10⁻³⁴ और नीचे 10⁻³ⁱ में से 8 गए, तो कितना बचेगा? 25। और कितना बचेगा यार? 23। चलो सोल्व करके बताओ बेटे, इतनी कैलकुलेशन तो आप करोगे मेरे लिए, है ना? इतना तो आपका है। 0. कितना बेटा? 3 × 2 × 10⁻¹⁰ × 10⁻¹⁰ मीटर। 11 मीटर। या इसको बेटा मैं ऐसे लिख लूं, 0.032 × 10⁻¹⁰ मीटर। तो ये ऐसे लिख लेते हैं, 0.032 × 10⁻¹⁰। लो बेटा आंसर निकाल दिया आपने। बेटा मेरी आवाज अगर कम आ रही हो तो बता दीजिए, मैं थोड़ी तेज कर दूंगा। क्या बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। आ रही है सर। Yes, चलो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार। अगला क्वेश्चन दो बेटा। Yes, sir. चलो नोट करते हैं अगला क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन करोगे उतना आपका हाथ बैठता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन You have 10 electron volt photon, अच्छा क्वेश्चन है काफी, and 10 electron volt electron. Which one has shorter wavelength? किसके पास वेवलेंथ शॉर्टर होगी, ये क्वेश्चन आपको करना है। चलो ट्राई करने की कोशिश करते हैं। करें बेटा,
यस सर इस क्वेश्चन को ये नहीं कि आप ये सोल करके भी करोगे चलो करते हैं अच्छे से करते हैं तो सबसे पहले फोटोन का केस ले लो फोर फोटोन अब फिर आपका इंतजाम की घड़ी आ जाएगी हमें पता है लैम्डा का एच अपॉन पी तो फॉर्मूला होता ही होता है कि फॉर्मूले में तो कोई दो राय नहीं है ठीक है ये फॉर्मूला तो सभी के लिए वैलिड रहेगा पर वो डायरेक्ट लगाएंगे सर फोटोन और इलेक्ट्रॉन सर मास से पता चल जाएगा कि मास जिसका कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी ऐसा कुछ भी नहीं है फॉर्मूला बदल जाता है बेटा मैं बताऊंगा कैसे मास कैसा फोटोन का मास कितना होता है बताना है सर रेस्ट मास जीरो होगा फोटोन का कहां कंपेयर करो देखो फोटोन के केस में एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन को बंदा बता सकता है E is equal to PC. मैंने बताया था नहीं बताया था ये बताओ ये बात मैं बता चुका है नहीं बता चुका E is equal to PC वाली बात yes, sir. बता चुके सर क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है बड़ा वाला अंडर द रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर या एम नॉट रेस्ट मास होता है अब फोटोन का रेस्ट मास जीरो हो गया तो एनर्जी कितनी आ गई पीसी के बराबर ठीक है एनर्जी पीसी के बराबर तो यहां पर अगर मैं बात रखूं मोमेंटम की वैल्यू रखूं तो मोमेंटम इज पी बाई सी तो एच सी बाई ई आ जाएगा बोला आ जाएगा नहीं आ जाएगा द फार्मूला फॉर द फोटोन इज लैम्डा इज एच सी बाई ई क्लियर अरे यहां तक क्लियर है क्या यस सर यस सर अब बेटा मैं तो इतना डायरेक्ट मेथड भी लगा सकता हूं क्योंकि एच सी की वैल्यू मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम पता है बेटा कितनी होती है कोई बच्चा बताएगा मुझे एच सी की वैल्यू बिना सोल्व किए है बेटा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किसमें आती है बेटा ये बोलो जल्दी से नैनोमीटर और 12400 करोगे तो एंगस्ट्रॉम में 12400 कर देता हूँ और नीचे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया 10 से 10 कट गया तो ये आंसर आ गया 1240 एंगस्ट्रॉम बताओ आया नहीं आया लैम्डा बोलो बेटा क्या लैम्डा आया नहीं आया आ गया सर अब देखो दूसरा फार्मूला बेटा फॉर इलेक्ट्रॉन देखो बेटा अब एक चीज बता देता हूं अभी तक ये बात मैं आपसे छुपा रहा था क्योंकि थोड़ा सा आपको आगे तक पता लगेगा देखो जब बेटा रिलेटिविस्टिक